बाड़मेर जिले में इस बार पर्याप्त बरसात होने से तालर मैदान सहित पचपदरा कस्बे के सभी तालाब लबालब हैं। ऐसे में प्रवासी परिंदों के लिए हर पहलू से आबोहवा अनुकूल है। हर साल की तरह इस बार भी सात समंदर पार कर ठंडे मुल्क के प्रवासी परिंदे शीतकालीन प्रवास के लिए पचपदरा पहुंच चुके हैं। पचपदरा के तालर मैदान, हरजी, इमरतिया, चिरढ़ाणी, नवोड़ा, इयानाड़ी तालाब के साथ ही मगरा क्षेत्र में हजारों की तादाद में कुर्जा के समूह डेरा डाले हुए हैं। इनकी मधुर ध्वनि के साथ ही आसमान में कतारबद्ध उड़ान भरते इन परिंदों को निहारने के लिए लोगों में खासा उत्साह बना रहता है। छह माह के प्रवास के बाद ये परिंदे फरवरी माह में स्वदेश के लिए उड़ान भरेंगे। यहाँ पर सरोवरों में कुर्जा और साइबेरियन पक्षी काफी मात्रा में आए हुए हैं और इन्हें सुबह देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। ये सुबह अपनी अटखेलियाँ करते हैं और मौसम बहुत सुहाना है यहाँ पर। यहाँ हर वर्ष की भांति कुर्जा आती है और 100-100 साल पुराने जो तालाब है उसके अंदर यहाँ आती है, जो 4 महीने रहती है, और यहाँ के आसपास के पर्यटक भी इसको देखने के लिए जाते हैं। बहुत ही अच्छा है, सुहावना टाइप का लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हर साल है जैसे ऐसे कुर्जा है या ऐसे कई 3-4 प्रजाति की पक्षी है जो यहाँ तालाबों पर आते हैं, जो ये लगभग फरवरी तक यहाँ रहेगी। कुर्जा के आगमन के साथ ही उनके कलरव और क्रीड़ा से मरुभूमि निखरने लगी है। बाड़मेर जिले के विभिन्न तालाबों में कुर्जा की उपस्थिति उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।